जय हिंद दोस्तों, आज है 19 अगस्त 2020। आज के अंतर्गत के काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हम आपके लिए लेकर आए हैं। इससे पहले कि हम अपने करंट अफेयरों की शुरुआत करें, एक छोटा सा नोटिफिकेशन हम आपको देना चाहेंगे। यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर नेक्स्ट टाइम को सर्च कीजिए और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। यदि आप हमारे फेसबुक पेज से भी जुड़ना चाहते हैं तो आप नेक्स्ट टाइम सर्च करके हमारे फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि डेली हमारे द्वारा UPSC, SSC, रेलवे बैंक, ETC जो भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयरों की सीरीज हम आपके लिए लाया जाता है। उम्मीद करूंगा दोस्तों आपको हमारा करंट अफेयर अच्छा लगता होगा। यदि आपको हमारा करंट अफेयर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, अब ज़्यादा टाइम न लेते हुए आगे बढ़ते जानते हैं कि आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कौन से हैं और आज का हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने अपना डे जूरे दिवस मनाया है। ठीक है, पहला है अंडमान निकोबार, दूसरा है जम्मू कश्मीर, तीसरा लद्दाख, चौथा है पुदुचेरी। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी पुदुचेरी के द्वारा किया गया हाल ही में अपना डे जूरे दिवस मनाया गया। डे जूरे का मतलब क्या होता है, कानून होता है। ठीक है, डे जूरे का मतलब क्या होता है, कानून या कानूनी तौर पर होता है। और इन्होंने पुदुचेरी ने कौन सा मनाया है, 59वें नंबर का मनाया। कितने नंबर का, 59वें नंबर का। कब मनाया, 16 अगस्त को। ठीक है, कब मनाया गया, 16 अगस्त 2020 को इसको मनाया गया। और इसके अंतर्गत पे क्या है कि जो ये पुदुचेरी है कब आज़ाद हुआ था, किसे, फ्रांसीसियों से 18 अक्टूबर 1954 ईस्वी में आज़ाद हुआ था। लेकिन इसके अंतर्गत क्या किया गया, जो फ्रांसीसी और भारतीय सरकारों के बीच जो हस्ताक्षर संधि थी वो कब किया गया था, 16 अगस्त कब किया गया था, 1962 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, डे जूरे का जैसे कि मैंने पहले कहा कि भारतीय संघ के साथ संघ शासित प्रदेशों का कानूनी विलय होता है। ठीक है, चलिए हम जान लेते हैं कि पुदुचेरी कहाँ पर है। ये रहा हमारा प्यारा भारत, इसके अंतर्गत का कहाँ पर स्थित है, ये रहा पुदुचेरी। और यहाँ पर क्या है, लोकसभा और राज्यसभा और लोकसभा की दोनों कितनी सीटें हैं, एक एक सीटें इसके अंतर्गत हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन कौन सा, हमारा दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में पढ़ई तुम्हार पारा योजना कौन से राज्यों में शुरू किया गया है। पहला ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, दूसरा है छत्तीसगढ़, तीसरा बिहार, चौथा है झारखंड। तो हमारा राइट आंसर क्या है इसके अंतर्गत का, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहां पर क्या किया गया, पढ़ई तुम्हार पारा योजना शुरू किया गया। ये रहे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेंद्र बघेल जी, इनके द्वारा ही क्या किया गया है, पढ़ई तुम्हार पारा योजना का शुभारंभ किया गया। ठीक है, इसके अंतर्गत की बात करें तो यहां पर राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, राज्यसभा की 5 सीटें तथा लोकसभा की 1 सीट है। इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा, जैसे कि आपको मालूम है कि COVID-19 के कारण यहां पर पढ़ाई में काफी अधिक दिक्कत आ गई है, इसके अंतर्गत क्या कर सकते हैं, स्टूडेंट पढ़ाई कर सकते हैं। और जहां पर नेटवर्क प्रॉब्लम है तो वहां पर इनके द्वारा क्या किया गया, एक ब्लूटूथ सिस्टम लाया गया जिनका नाम क्या है, बंटू के बोल। ठीक है, उस कार्यक्रम को भी क्या कर दिया गया, इसके अंतर्गत शुरू कर दिया गया। ठीक है, चलिए आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, आगे का हमारा थर्ड क्वेश्चन कौन सा है, हाल ही में सत्यपाल मलिक को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया। ये रहे हमारे सत्यपाल मलिक जी, इन्हें क्या कर दिया गया, हाल ही में राज्यपाल नियुक्त कर दिए गए हैं, कौन से राज्य में नियुक्त कर दिए गए। ठीक है, तो इसका हमारा 4 ऑप्शन है, पहला है गोवा, दूसरा है महाराष्ट्र, थर्ड है मेघालय, चौथा है असम। तो इसके अंतर्गत हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी मेघालय। मेघालय की कैपिटल शिलोंग होगी, वहाँ पर क्या कर दिया गया है, इन्हें वहाँ के राज्यपाल नियुक्त कर दिए गए। ठीक है, अगर मेघालय की बात करें तो ये रहा हमारा प्यारा भारत, ये रहा हमारा प्यारा भारत। तो इसके अंतर्गत पर मेघालय कहाँ पर स्थित है, ये रहा मेघालय। ठीक है, मेघालय की कैपिटल शिलोंग है और यहाँ पर राज्यसभा की 1 सीट तथा लोकसभा की 2 सीटें हैं। ठीक है, और क्या नाम हो गया इनका, इनका नाम है सत्यपाल मलिक जी। सत्यपाल मलिक जी क्या हो गए, जो 2018 से लेकर 2019 में क्या थे, जम्मू कश्मीर के, कब तक, अगस्त 2018 से लेकर ठीक है, कब से कब, अगस्त 2018 से लेकर 2019 तक क्या हो गए थे, ये कहाँ के वो रहे थे, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल भी नियुक्त रहे थे। ठीक है, अब की बात करें तो जो सत्यपाल मलिक जी इससे पहले कहाँ के थे, गोवा के थे। अब गोवा के राज्यपाल किसको नियुक्त कर दिए गए हैं, भगत सिंह कोश्यारी जी को। गोवा और मध्य प्रदेश दोनों जगह का क्या मिल गया है, भगत सिंह कोश्यारी जी को राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया। ठीक है, चलिए आपको समझ में आ गया। आगे का थर्ड क्वेश्चन कौन सा, हाल ही में ओकले के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाए गए। ठीक है, ओकले काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक ब्रांड का नाम है, ये किसे नियुक्त कर दिया गया। पहला ऑप्शन है महेंद्र धोनी, विराट कोहली, ऑप्शन सी है महेंद्र रोहित शर्मा, ऑप्शन डी है हरभजन। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी।
सॉरी, तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है? रोहित शर्मा जी को क्या कर दिया गया है? ओकले के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त कर दिए गए हैं। किसे कर दिए गए हैं? रोहित शर्मा जी को। ये रहे रोहित शर्मा जी, ठीक है। इनको क्या कर दिया गया है? ओकले के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त कर दिया गया है, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो ये क्या बनाता है? ओकले जो है वह क्या क्या बनाता है? सनग्लासेस बनाता है, क्लोथ्स बनाता है, तथा स्पोर्ट्स इक्विपमेंट जो भी होता है इनके द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। और इसके अंतर्गत बात करें तो मुख्य रूप से क्या है? प्रदर्शन स्पोर्ट्स जो आईबीआई है, ठीक है, आईबीआई के क्या है? ब्रांड इसके द्वारा होते हैं, ठीक। और इसके अंतर्गत की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? यूएस पर है। और इसको कब बनाया गया था? 1975 ईस्वी में स्थापित किया गया था। कंपनी कब बनी थी? ओकले 1975 ईस्वी में बना था। कहां पर है? यूएस कर इसके अंतर्गत है, ठीक है। चलिए, आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, आगे का हमारा आगे का क्वेश्चन कौन सा है? हाल ही में किस बैंक ने सौर्य किसान कार्ड लॉन्च किया है? पहला ऑप्शन है SBI, दूसरा है PNB, तीसरा है ICICI, चौथा है HDFC बैंक, ठीक है। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी की बात करें तो क्या है? HDFC हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन बैंक के द्वारा किया गया है सौर्य किसान कार्ड लॉन्च कर दिया गया। अब हम जानते हैं कि सौर्य किसान कार्ड क्या है, इसके अंतर्गत क्या है कि जो सौर्य किसान कार्ड है जिसे क्या कहते हैं शॉर्ट में? KGC, ठीक है। क्या कहा जाता है? KGC नामक एक कृषि ऋण की पेशकश की गई। इसके अंतर्गत क्या होगा? एक कृषि ऋण है, किसको दिया जाएगा? जो 45 लाख सैन्य तथा अर्धसैनिक जो क्या होते हैं पेशेवर के परिवार की क्या है कृषि जरूरतों को पूरा करने के लिए इसके अंतर्गत क्या किया गया है? विकसित किया गया, ठीक है। जिसे क्या कहा है? सौर्य KGC जो है मुख्य रूप से क्या है? 10 लाख पॉलिसी कवर के साथ क्या करेगा? अगर आपकी फसल खराब हो जाती है या किसी प्रकार की दिक्कत आ जाती है तो उसमें क्या करेगा? वित्तीयता क्या करेगा? यह प्रदान करेगा, ठीक है। चलिए, आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा आगे का क्वेश्चन कौन सा है, ठीक है। आगे के क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में किसके द्वारा इंग्लिश चैनल में सबसे अधिक तैरने का पुरुषों का विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है, ठीक है। क्या है? सबसे अधिक तैरने का विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर भी इस प्रकार के क्वेश्चन दिखाई देते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है इसके अंतर्गत पे विलियम, ठीक है। पहला ऑप्शन है विलियम, दूसरे हैं रोबोट, वो थर्ड है क्लोमेक कार्डेल, और थर्ड है डेविड। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, क्लोमेक कार्डेल के द्वारा क्या कर दिया गया? ये रहे ऑप्शन सी, क्लोमेक कार्डेल, ठीक है। क्लोमेक कार्डेल के द्वारा, मैप पे मैं दिखा देता हूँ, सॉरी ये दिखा देता हूँ इनका, ये रहे कौन है? क्लोमेक कार्डेल के द्वारा क्या किया गया? मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं, और इनका क्या रहा? 35वां सफर करने के बाद इन्होंने क्या किया? इंग्लिश चैनल में सबसे अधिक तैरने का पुरुषों का विश्व रिकॉर्ड इनके द्वारा बनाया गया है, ठीक है। यही है, कौन है? इनका नाम क्या है? क्लोमेक कॉर्डेल है। ये कहां के रहने वाले? ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले, ठीक है। चलिए, आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, आगे का क्वेश्चन कौन सा है, ठीक है। इंग्लिश चैनल, चलो मैं आपको इंग्लिश चैनल भी दिखा देता हूँ। ये रहा इंग्लिश चैनल, इसके बीच का है, ठीक है। इंग्लिश चैनल का है यूके और क्या है जर्मनी के बीच में, ये है पूरी क्या है ये इंग्लिश चैनल, इसको तैर कर ही पार करना होता है, ठीक है ना। यहाँ पर ही क्या कर दिया गया? इन्होंने 35वां सफल करने के बाद इंग्लिश चैनल में सबसे अधिक तैरने का पुरुषों का विश्व रिकॉर्ड किसके द्वारा बनाया गया है? क्लोमेक कॉर्डेल के द्वारा बनाया गया, ठीक है। चलिए, आगे बढ़ते हैं, आगे का क्वेश्चन कौन सा है हमारा? आगे का क्वेश्चन है भारत की विलासिता फ्लैटों में टॉप में कौन सा राज्य है, ठीक है। क्या कर लिया था? हाल ही में भारतीय एक रिपोर्ट जारी कर दी गई है, जिसके अंतर्गत क्या बताया गया है कि जो फ्लैटों की सूची है उनमें फ्लैट विलासिता में टॉप नंबर पर कौन सा रहा है, ठीक है। पहला है दिल्ली, दूसरा है मुंबई, थर्ड है कोलकाता, चौथा है बेंगलुरु। तो इसके अंतर्गत राइट का आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन डी, बेंगलुरु। बेंगलुरु की बात करें तो यह क्या है? कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु होगी। यह कितने नंबर पर आया है? दुनिया के 26 नंबर पर है, ठीक है। भारत की बात करें तो पहले नंबर पर आ गया, और भारत की बात करें तो पहले नंबर पर, और दुनिया की बात करें तो 26 नंबर पर आ गया है, ठीक है। और इसमें मुख्य रूप से बात करें तो इसने किसको पीछे कर रखा है? मुख्य रूप से दिल्ली 27वें नंबर पर है, और क्या है मुंबई 32 नंबर। इससे पहले क्या था? 32 नंबर पर क्या था? मुंबई था, ठीक है। कौन सी रिपोर्ट के अनुसार बजाया मालूम किया गया इसको अंतर्गत? ये क्या है? नाइट फ्रैंक के एक सर्वेक्षण के अनुसार, ठीक है। बेंगलुरु जो विलासिता आवासीय संपत्ति की वार्षिक मूल्य में क्या है? 26वें नंबर पर आया है, ठीक है। और ये इंडेक्स किसके द्वारा जारी
जारी किया गया है, प्राइम ग्लोबल सिटी इंडेक्स क्वार्टर 2 2020, इसके अंतर्गत जारी किया गया है। ठीक है, इसके अंतर्गत टॉप पर कौन रहा है? मुंबई पहले नंबर पर। मुंबई अगर विश्व की बात करें तो 26 नंबर पर कौन है? बेंगलुरु है। ठीक है ना, चलिए आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, आगे का क्वेश्चन कौन सा है? हाल ही में किसके द्वारा फिट इंडिया फ्रीडम रन अभियान चलाया गया? ठीक है, पहला ऑप्शन है ITBP। ITBP का फुल फॉर्म होता है इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, वायुसेना द्वारा, थल सेना द्वारा तथा खेल मंत्रालय। तो इसके अंतर्गत हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, ITBP के द्वारा क्या कर दिया गया है? फिट इंडिया फ्रीडम रन अभियान चलाया गया है। ठीक है, और अगर इनकी बात करें तो यह कब बना था? 24 अक्टूबर 1962 में बना था। कब बना था? 24 अक्टूबर 1962 में बना था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में। अगर इनकी मोटो की बात करें तो ITBP का मोटो क्या है? शौर्य दृढ़ता तथा कर्मनिष्ठा। क्या है? शौर्य दृढ़ता कर्मनिष्ठा ITBP का क्या है मोटो है। और ये किसके अंतर्गत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ द होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ द होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे का क्वेश्चन। हाल ही में US ने किस देश को F-60Z बेचने की घोषणा की है? पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा है ताइवान, थर्ड है इसराइल, चौथा है रूस। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, ताइवान। ताइवान की कैपिटल ताइपे है। तो क्या किया गया है? USA के द्वारा F-60Z इनको बेचने की घोषणा कर दी गई है। ठीक है, ये रहा हमारा प्यारा भारत। प्यारे भारत से जब हम इस ओर किस्टर्न की ओर जाते हैं तो ये क्या है? ताइवान। चाइना यहाँ पर हो गया, ये क्या हो गया? ताइवान हो गया। ठीक है, और 9 डैश लाइन भी इसके अंतर्गत है। ठीक है ना, साउथ चाइना सी विवाद भी इसी के अंतर्गत है। कभी हम आगे टॉपिकों में इसके अलग से डिस्कस करेंगे। ठीक है, ताइवान हो गया। ताइवान को ही क्या कर दिया गया है? US के द्वारा F-60Z बेचने की घोषणा कर दी गई। टोटल कितने बेचने की घोषणा कर दी गई? 66। और इसके अंतर्गत इन्होंने कब से कब, ठीक है ना, 2019 से लेकर 2026 तक, ये डील पहले से चली आ रही है, 2019 से लेकर 2026 तक देने की है। ठीक है ना, और F-60 को किसके द्वारा बनाया गया है? जो US की कंपनी है Lockheed, ठीक है ना, Lockheed या Lockheed भी कहते हैं उसको, Lockheed Martin Corps के द्वारा इसको बनाया गया है। ठीक है, चलिए आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, आगे का क्वेश्चन कौन सा है? केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने नगर वन अन्य शहरी वन योजना कार्यान्वयन के लिए किस राज्य को चुना है? ठीक है, पहला ऑप्शन है उत्तराखंड, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा है मिजोरम, चौथा है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यह क्या हो गया? ईटानगर। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल कहाँ पर स्थित है? ईटानगर है। और ये रहा हमारा प्यारा भारत, इसमें क्या है? अरुणाचल प्रदेश। इसको क्या कहा जाता है? सूर्योदय, सबसे पहले सूर्योदय का राज्य भारत में क्या होता है? अरुणाचल प्रदेश को ही कहा जाता है। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा? 200 शहरों में वन बनाने के लिए परिकल्पना किया जाएगा। ठीक है, 2 करोड़ का अनुदान भी इसके अंतर्गत दिया जाएगा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे का क्वेश्चन कौन सा है? हाल ही में महान पद्मश्री, पद्मभूषण तथा पद्म विभूषण से सम्मानित पंडित जसराज का निधन हो गया, वह किससे संबंधित थे? पहला ऑप्शन है गायक, दूसरा है नृतक, थर्ड है खिलाड़ी और चौथे है पत्रकार। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए क्या है? गायक। कौन हो गया? पंडित जसराज जी का निधन हो गया। उनको क्या मिला था? पद्मश्री मिला था, पद्मभूषण मिला था और विभूषण मिला था। हाल ही में उनका निधन हो गया और वे क्या थे? गायक थे। ठीक है, ये रहे कौन है? ये हैं पंडित जसराज जी। ठीक है, ये रहे पंडित जसराज जी, इनका क्या हो गया? हाल ही में निधन हो गया। ठीक है, चलिए आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, आगे का क्वेश्चन। पहला विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन भाषण किसके द्वारा दिया जाएगा? काफ़ी इंपॉर्टेंट है यह क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि, क्वेश्चन वापस रिपीट करते हैं, पहला विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन भाषण किसके द्वारा दिया जाएगा? पहला है डोनाल्ड ट्रंप, दूसरे हैं नरेंद्र मोदी, थर्ड है किम जोंग, चौथे हैं व्लादिमीर पुतिन। तो इसके का हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी जो क्या है भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनके द्वारा क्या किया जाएगा। पहला जहां पर भी आ जाता है वो एग्जाम प्रस्पेक्टिव से काफी इंपोर्टेंट हो जाता है। विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन भाषण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दिया जाएगा। ठीक है, किसके द्वारा दिया जाएगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दिया जाएगा। ठीक है, ये कब शुरू होगा? ये कब होगा? 8 सितंबर 2020 को होगा। ठीक है, उद्घाटन भाषण कौन देंगे? पीएम मोदी देंगे। कब शुरू होगा? 8 सितंबर 2020 को यह शुरू होगा। ठीक है, चलिए आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, आगे का क्वेश्चन कौन सा है हमारा? आगे का क्वेश्चन है, हाल ही में स्वास्थ्य नामक ई पोर्टल का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? क्या कह रहा है? हाल ही में स्वास्थ्य नामक ई पोर्टल का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया?
पहला ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, दूसरे हैं राजनाथ सिंह, थर्ड है अर्जुन मुंडा और चौथे हैं निर्मला सीतारमण। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी अर्जुन मुंडा। ठीक है, अगर अर्जुन मुंडा की बात करें तो यह क्या है, जनजातीय स्वास्थ्य तथा पोषण मंत्रालय के अंतर्गत इनका आता है, इन मामलों के क्या हैं ये मंत्री हैं। इनके द्वारा ही क्या कर दिया गया है, एक ई पोर्टल का उद्घाटन कर दिया गया। ठीक है, यह पोर्टल पहले जान लेते हैं कि आखिर अर्जुन मुंडा जी कौन है। ये रहे अर्जुन मुंडा जी, इन्हीं के द्वारा जारी कर दिया गया, ठीक है ना, ई पोर्टल का उद्घाटन कर दिया गया है। और ये क्या है, इसमें मुख्य रूप से क्या होगा कि यह पोर्टल भारत की जनजातीय आबादी के सभी स्वास्थ्य तथा पोषण संबंधी जो भी जानकारी को क्या करेगा, एक मंच में लाने के लिए इस ई पोर्टल स्वास्थ्य नाम, पोर्टल का नाम ही क्या है, ठीक है, स्वास्थ्य नाम पोर्टल, इस पोर्टल के अंदर क्या होगा, सारे डाटा इसमें उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपको समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन कौन सा है, आगे का क्वेश्चन है हाल ही में चोगलामसर में सिंधु नदी पर बने पुल का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है। पहला ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, दूसरा है राजनाथ सिंह, थर्ड है आर के माथुर, चौथा है अमित शाह। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी आर के माथुर जी। ठीक है, क्या है, आर के माथुर जी के द्वारा क्या किया गया है, ये कहाँ के हैं, लद्दाख, लद्दाख के गवर्नर हैं, जो क्या है चोगलामसर सिंधु नदी पर बने पुल का उद्घाटन क्या कर दिया गया है, आर के माथुर जी के द्वारा किया गया है। ये रहे आर के माथुर जी, ठीक है, ये रहे आर के माथुर जी, इन्हीं के द्वारा क्या कर दिया गया है, जो लद्दाख में बने हुए पुल का उद्घाटन इन्हीं के द्वारा किया गया है। ठीक है, आर के माथुर जी ने। और अगर इस पुल की बात करें तो थोड़ा और जान लेते हैं, यह पुल क्या करेगा, 5 गाँवों को जोड़ेगा, और इस जो पुल की थी प्रोजेक्ट थी कितने करोड़ की थी, 8.21 करोड़ की यह प्रोजेक्ट है। ठीक है, और यह कितनी मीटर है, 60 मीटर जो डबल लाइन है उसके अंतर्गत है, कितनी है, 60 मीटर लंबी है और क्या हो गया, डबल लाइन होगा। ठीक है, मोटरवे, मोटर चलने वाली इसके अंतर्गत पर होगी। ठीक है, चलिए आपको समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन कौन सा है, आगे का क्वेश्चन है हमारा ISL, ठीक है, क्या है, ISL 2021 सीज़न कौन से राज्य में आयोजित किया जाएगा। सबसे पहले हम जानते हैं कि ISL क्या है, ठीक है, इंडियन सुपर लीग इसका फुल फॉर्म हो गया, कौन से राज्य में आयोजित किया जाएगा। पहला राज्य है महाराष्ट्र, दूसरा है गोवा, थर्ड है उत्तराखंड और चौथा है दिल्ली। ठीक है, पहला गोवा महाराष्ट्र, दूसरा गोवा, थर्ड उत्तराखंड, चौथा है दिल्ली। तो इसके अंतर्गत का हमारा राष्ट्र कौन सा, राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है, गोवा की कैपिटल पणजी है, गोवा में ही क्या किया जाएगा, ISL इंडियन सुपर लीग 2021 सीजन का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो चलिए मैप पर जान लेते हैं आखिर गोवा कहां पर स्थित है। ये रहा हमारा प्यारा भारत, इसके अंतर्गत ये है हमारा प्यारा भारत, इसके अंतर्गत वह गोवा क्या है, गोवा की कैपिटल पणजी होगी, और इसके अंतर्गत पे राज्यसभा की एक सीट तथा लोकसभा की 2 सीट है। ठीक है, एक और दो होगी, ठीक है, राज्यसभा की 1 सीट होगी तथा लोकसभा की कितनी सीटें होंगी, 2 सीटें होगी। यहीं पर क्या किया जाएगा, ISL जो 2021 है सीज़न का नवंबर में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, अगर COVID-19 नहीं हुआ तो, और यह कौन सा है, अपने 7वें संस्करण में कितने होगा, 3 जगह पर होगा। पहला कहाँ पर होगा, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम पर, दूसरा कहाँ पर होगा, जो GMC, ठीक है, एथलेटिक्स स्टेडियम है वहाँ पर होगा, और थर्ड नंबर का क्या है, तिलक मैदान स्टेडियम, वहां पर इसको आयोजित किया जाएगा। ठीक है, चलिए आपको समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। हमारा आगे का क्वेश्चन कौन सा है, आगे के क्वेश्चन की बात करें तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में प्लेयर ऑफ द सीजन के लिए नामित किसे किए गए हैं। ठीक है, क्या करें, हाल ही में प्लेयर ऑफ द सीजन के लिए किसे नामित किए गए हैं। पहला ऑप्शन है रोनाल्डो, ऑप्शन बी है केविन डेब्रूने, ऑप्शन सी है लियोन मेसी, ऑप्शन डी है सुनील छेत्री। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी, केविन डे क्रूने को क्या कर दिया गया है, प्लेयर ऑफ द सीजन के लिए नामित किया गया है। ठीक है, क्या कर दिया गया है, ये रहे केविन डे क्रूने ब्रूने, ये रहे डेविन के ब्रूने, इन्हीं को क्या कर दिया गया है, हाल ही में प्लेयर ऑफ द सीजन के लिए नामित किया गया है। ठीक है, फुटबॉल के अंतर्गत की बात करें तो ये कहाँ के हैं, मैनचेस्टर के पुरस्कार जीतने वाले तीसरे बेल्जियाई बन गए। ठीक है, ये बेल्जियम मैनचेस्टर हो गया, और बेल्जियम की कैपिटल कहाँ पर, ब्रुसेल्स, उसके अंतर्गत क्या हो गए, तीसरे नंबर के इस प्राइज़ को जीतने वाले तीसरे प्लेयर हो गए। ठीक है, अगर 2019 तथा 20 की बात करें तो इन्होंने क्या किया था, लगभग 20 गोल इसके अंतर्गत किए गए थे, और व्यक्तिगत गोल की बात करें तो इन्होंने क्या किया था, सर्वश्रेष्ठ की बात तो 13 गोल इसके अंतर्गत इन्होंने किया गया था। ठीक है, इसलिए इसको, इनको क्या कर दिया गया है, प्लेयर ऑफ द सीजन के लिए नामित किया गया है। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज का करंट अफेयर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करूंगा दोस्तों आज का करंट अफेयर आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको हमारा करंट अफेयर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब